एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगी। तो जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगी तब तक आप लोग को पता कैसे चलेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि आराम से बैठकर इस वाले वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप मेरी सारी बातों को सुनेंगी। तो सच में मैं बताती हूँ, आपका वेट लॉस तो ज़रूर से ज़रूर होगा, क्योंकि जिस चीज़ से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, अगर इसी रूल को आप भी अपना लेंगी अपने लाइफ में लाइफ टाइम के लिए, तो आप लाइफ में कभी भी मोटी नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो कि पता नहीं कैसे मुझे मालूम चला और मैं की, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ इतना बढ़ गया था, मेरा वेट इतना बढ़ गया था। मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी अपने हस्बैंड के साथ मेरी, मैं इतनी उनके साथ ना बुरी दिखने लगी थी कि मुझे बहुत ही अजीब लगता था। लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे मुझे, मोटी मोटी कर कर बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि अपने आप को कम करो, बहुत मोटी होते जा रही हो। मेरे ही उम्र की लड़कियाँ मुझे आंटी बोला करती थी, तो बुरा लगता है भाई, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि कोई मुझे आंटी बोलता है तो बुरा नहीं लगता है, लगता है, ज़रूर लगता है। अगर हमारे उम्र की ही कोई भी हमें अगर आंटी बोले, देखिए एक रिलेशनशिप अलग चीज़ हो जाता है। रिलेशनशिप में तो मैं नानी दादी सब बन गई हूँ, लेकिन आप सिर्फ जान पहचान है, अगर उसमें भी अगर लोग आपको आंटी बोले तो वो चीज़ बहुत बुरा लगता है। तो लगता था, लेकिन क्या कर सकते थे, कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन मैं होता है ना कि पूरे तरीके से नॉलेज नहीं था मुझे। मैं सोचती थी कि योगा करूँगी तो उसी से मेरा काफ़ी वेट कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपका डाइट, आपका खान पान का तरीका सही नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। योगा करें, एक्सरसाइज करें, यहाँ तक कि आप जिम भी चले जाओगे ना, जब तक आपका डाइट सही नहीं होगा तो बस वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो साईं बाबा माता रानी की दया है कि मुझे मालूम चला, जिस दिन मुझे मालूम चला 32 बार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं डियर, पता नहीं क्यों मैं ये नहीं सोची कि हाँ मैं कल से करूँगी। मैं आज देखी और शाम से ही स्टार्ट कर दी थी कि मुझे करना है। आप लोग बोलते हैं ना कि शुरुआत कैसे करें दीदी, तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं अपना शुरुआत कैसे की। मैं शाम के खाने से ही शुरुआत की थी, क्योंकि सर का जब मैं वीडियो देखी थी स्वीकार सर का, उन्होंने 5 गोल्डन रूल बताए थे। सबसे पहला रूल, ओवर ईटिंग नहीं करना है जब भूख लगे। दूसरा रूल, जब भूख लगे तभी खाना है। तीसरा, खाने को अच्छे से चबा चबा कर हर एक निवाले को 32 बार चबा चबा कर खाना है। चौथा, सप्ते में एक दिन सल्ट फ्री डे करना है, बिना नमक के खाना खाना है। और पाँचवा, खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना है। इस चीज़ को मैं गांठ बांध ली थी, मैं बोली चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट की शाम को जल्दी खाना खाने से। पहले मुझे नहीं मालूम था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, मैं कभी सुनी ही नहीं थी कि ये सब कुछ होता है, सर के मुंह से ही सुनी थी। हालांकि सर इसको हमेशा बोलते नहीं हैं करने को, लेकिन मैं की ना तो मेरे लिए ये बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ। इंटरमिटेंट फास्टिंग से डियर बहुत जल्दी वेट कम होता है। जिनको भी बहुत जल्दी से अपना वेट कम करना है ना, वो कोशिश करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, इसको लाइफ टाइम कर टाइम के लिए ले जाए। क्योंकि आप देखना, बहुत सारे हीरो हीरोइंस लोग जो है वो लोग सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ करते हैं, और रात का खाना हम जब स्किप करते हैं ना तो वेट तो कम होता ही है, साथ में बहुत सारी बीमारियों का भी हल निकल जाता है। छोटी मोटी बीमारियाँ अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि जब हमारा खाना अच्छे से पच जाता है तो हमें फिर कोई बीमारी भी नहीं होती है। और जब हम रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, वो खाना रखा हुआ ही रहता है, कुछ होता ही नहीं है, जिसके वजह से वो सड़ने लगता है, और फिर आप समझ सकते हो क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही स्टार्ट की थी डियर, क्योंकि मैं रात के 10-11 बजे खाती थी, और 10-11 बजे से आपको डायरेक्ट अगर आप 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लें तो कितना डिफरेंस है ना। लेकिन मुझे लगा कि चलो करते हैं, बस मैं की, मैं टेंशन नहीं ली थी कि हो ही जाएगा। एक होता है ना, जैसे आप लोग टेंशन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह किए और उसके बाद कमेंट करते हैं दीदी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो डियर, फ़र्क वाली बात जब होती है ना तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है, जिसकी जैसी रहती है उस तरीके से काम करती है। हो सकता है मेरी फास्ट थी जिसके वजह से बहुत जल्दी मैंने अपना वेट लॉस किया,
तो मैं कोई भी लालच, बोलते हैं ना लालच नहीं था मेरे मन में, मैं बोली चलो करते हैं इस चीज़ को। मैं खाना स्टार्ट की, सिर्फ 7 बजे तक मैं शाम को खाती थी, स्लो स्लो खाती थी, काउंट कर कर के खाती थी और स्लो खाती थी शाम को। 1 हफ्ते में ही मेरा बैक का जितना भी फैट था, हिप्स फैट वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। हम लोगों ने तो कभी ध्यान नहीं दिया, बाहर जब मैं निकली तो मुझे बाहर एक सब्जी वाली आंटी बताई कि बहू आपका, आप क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, आप दुबली होते जा रही हैं। सच में वो दिन था ना, वो मैं क्या बोलूँ, इतना मुझे मोटिवेट कर गया ना उनकी बातें कि अब मैं बोली कि नहीं, अब मैं प्रॉपर तरीके से करूँगी। फिर मैं क्या की, ठंड का समय था डियर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठंड का समय वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं बताऊं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है ठंड का समय, क्योंकि छोटा दिन करता है ना तो सारा दिन निकल जाता है, समझ। चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। सुबह से मैं क्या करती थी, कैसे करती थी, तो सबसे पहले तो मैं थायराइड की दवाई लेती थी, उसके 1 घंटे बाद मैं अपना जो धनिया पानी होता था, मैं धनिया पानी ले लेती थी, कभी सौंफ पानी लेती थी, मैं धनिया और सौंफ ही ली थी और कुछ नहीं लेती थी, वो ले ली। उसके बाद जो काम काज रहता था मैं वो सब करती थी। सुबह नाश्ते में मैं फ्रूट खाती थी, 10:30-11 मुझे बज जाता था सारा काम करते हुए, पूजा वूजा करते हुए, और मैं पूजा करने के बाद ही खाना खाती हूँ, तो पूजा करने के बाद मैं जो खाती थी वो फ्रूट होता था। ठंड का समय था, एप्पल मिल जाता था आराम से, तो मैं ज़्यादा करके एप्पल खाती थी, पपीता खाती थी, ये खाती थी। पपीता भी मैं अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत खाई हूँ और वो भी बहुत अच्छा साबित होता है, एप्पल भी बहुत अच्छा होता है, तो इन दोनों को मैं खाया करती थी। सुबह नाश्ते में इसे खा ली। मेरे घर में जो खाना बनता था, सभी के लिए जो खाना बनता था, मैं उसे खाती थी दोपहर में। चाहे लोग कितना भी जल्दी खाकर उठ जाते थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैं अपना हर एक निवाले को 32 बार काउंट कर करके खाती थी, हर एक निवाले को 32 बार काउंट करके खाती थी। दोपहर का खाना हो गया, खाना खाने के बाद जो हमारा घर का काम होता है, झाड़ू हुआ, बर्तन हुआ, ये सब सारा काम करने के बाद मैं आधे घंटे का वॉक करती थी। वॉक हो जाता था, वॉक आधे घंटे का मैं करती थी, आधे घंटे में अपने घर का सारा काम कर लेती थी, 1 घंटा हो जाता था। वॉक करने के बाद सबसे पहले मैं ग्रीन टी लेती थी, ग्रीन टी पी लेती थी, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद फिर मैं पानी पीती थी। पानी मैं गुनगुना ही पीती थी क्योंकि उस वक्त ठंडी थी, तो आप गर्म पानी आराम से पी लेते थे, इसीलिए मैं हमेशा गर्म पानी ही यूज़ करती थी। अभी जैसे गर्मी का दिन है तो अभी सुबह में मैं सिर्फ लेती हूँ गर्म पानी, अब आज बाकी सारा दिन मैं नॉर्मल ही पानी लेती हूँ, मैं फ्रीज का पानी नहीं पीती हूँ। ज़्यादा अगर आप लोग को लगता है अजीब सा नॉर्मल भी पानी, तो आप घड़े का पानी यूज़ करें, घड़े का पानी भी बहुत हमारे लिए फ़ायदा होता है, तो घड़े का पानी पिए। ये हो गया, देखिए अभी मैं खाने पीने वाली बातें बता रही हूँ। फिर मैं क्या करती थी, आधे घंटे पानी पीने के बाद मैं थोड़ा सा सो जाया करती थी, क्योंकि उस समय मेरा कोई भी चैनल नहीं था, तो काम नहीं कुछ होता था, तो मैं फिर आधे एक घंटे के लिए आराम से सो जाती थी। फिर उठती थी, उठने के बाद शाम बत्ती दी, शाम बत्ती देने के बाद फिर मैं अपना जो फिर से गुनगुना गर्म पानी करके मैं एक घंटा पी लेती थी, और पानी पीने के बाद मैं सभी को चाय दी। चाय पीने के बाद मैं रात में खाती थी ओट्स, सूप या फ्रूट, रोटी नहीं खाती थी मैं, यही तीनों में से कुछ भी खा लेती थी, और ज़्यादा करके मैं ओट्स खाती थी। ओट्स के लिए भी मैं बताती हूँ, ओट्स के लिए भी मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी तो मैं कहीं देखी कि उन्होंने कहा ना कि ओट्स अगर आप रात में खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मैं और सर्च की, तो जी उनके बाद मैं जितना का भी वीडियो देखी ना, सभी ने यही कहा कि रात में ओट्स नहीं खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरा मन माना नहीं, मैं बोली चलिए एक का बात देखते हैं कर, क्योंकि क्या होता है ना डियर, जब हम लोग रात को 10-11 बजे खाने वाले हों और 7 बजे तक हमारा खाना फिनिश हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि घर में खाना बनाने वाले हम ही, खिलाने वाले हम ही, तो क्या होने लगता है ना कि सबको खाते देखते ना भूख सी लगने लगती है। रोटी ही खाती थी ना मैं, तो मेरा पच जाता था, तो भूख सी लगने लगती थी, तो मैं ओट्स बना के जब खाने लगी ना, ज़्यादा नहीं, उस समय बहुत सारे वेजिटेबल्स आते थे जैसे मटर हुआ, गोभी हुआ, गाजर हुआ, ये सब मिला करके घी में मैं बना लेती थी ओट्स। ओट्स की रेसिपी मेरे चैनल पर डाली हुई है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, नहीं तो फिर मैं लिंक डाल दूँगी इसी में, आप देख लीजिएगा। तो वो मैं ओट्स बना करके खा लेती थी। ओट्स बना के खाने के बाद मैं फिर घर वालों के लिए खाना बनाती थी, उसके बाद मैं फिर से आधे घंटे का 15 मिनट का वॉक करती थी।
फिर वही सेम खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी, उसके फिर 1/2 घंटे बाद पानी, हो गया। ये हुआ मेरा खाने पीने का, मैं इतना करती थी। और मुझे ना बोलते हैं ना कि मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग में ये खाना चाहिए, तो मुझे भूख ही नहीं होती थी, तो मैं क्या खाती, मुझे भूख नहीं लगती थी, बस 3 टाइम में ही मेरा चल जाता था, बहुत ही आराम से। तो ये हुआ। फिर साथ ही मैं सल्ट फ्री डे भी हर वीक करती थी, जो सर बताए थे बेसन का चीला बनाने, मैं वही खाई। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं प्रॉपर की, ये जो मैं की थी ना सल्ट फ्री डे इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये पूरा मैं 1 महीना बिना अपसेंट किए की थी हर एक चीज़ को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चावल खाने से मोटापा बढ़ जाता है, तो पता नहीं डियर, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैं रोटी नहीं खाई हूँ, गेहूँ की रोटी नहीं मैं खाई थी, क्योंकि मैं खाती ही नहीं थी। सुबह में भी फ्रूट खाती थी, शाम में ओट्स वगैरह खा लेती थी, तो मैं रोटी कब खाती। मैंने चावल 7 दिन में 6 दिन मैं चावल ही खाती हूँ। 1 दिन जो सल्ट फ्री डे रहता था उस दिन मैं चीला खाती थी। ये सब तो हो गया खाने पीने वाली चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप हमेशा अपने आप को ना एक्टिव रखें। आप जब भी खाना खा लेते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ, रात का खाना हुआ, आप अपने लिए काम जरूर रखें कि मुझे खाना खाने के बाद ये काम करना है। तो मैं काम रखती थी, जब भी खाती थी थोड़ा बहुत बर्तन लेकर बैठ जाती थी, या फिर खाना बनाना हुआ, फिर और कुछ भी हुआ, और नहीं हुआ तो टहलती थी। तो इस तरीके से आप ज़रूर करें, ये सब करने से ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। घर के जो हमारे काम होते हैं, अगर हम घर का अपना प्रॉपर काम अगर करें, हम लोग मैट क्यों रखते हैं, हम लोग घर का काम नहीं कर पाते हैं, तभी ना हम लोग काम वाली वाई को रखते हैं। अगर हम लोग घर का काम पूरा कर सकते हैं तो हम क्यों रखते हैं, इसका मतलब है कि घर का काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तभी तो हम लोग रखते हैं ना। तो मैं आपको बोलूँगी ना, आप अपने घर का काम आप खुद करें। बहुत ज़्यादा मसाला है आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिए, थोड़ा सा मसाला है आप सील डोढ़ी में पीसिए, बहुत ज़्यादा कपड़ा है आप वॉशिंग मशीन में डाल लीजिए, थोड़ा बहुत कपड़ा है तो आप अपने हाथ से धुलना स्टार्ट कर दीजिए। हाथ से धुलेंगी तो हाथ का भी एक्सरसाइज होगा, साथ के साथ आपकी सरफ भी बचेगी, पानी भी बचेगी, क्योंकि मशीन में तो आप जानते हैं सरफ पानी दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं। आटा, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो सब्ज़ी भी स्लेब पर खड़े खड़े काट लिए, आटा भी स्लेब पर खड़े खड़े सान दिए, तो इन सब छोटी छोटी बातों को ना आप चेंज कीजिए। खड़े खड़े जो हम लोग स्लेब पर सब्ज़ी काट रहे हैं उसको बैठ जाएं, ज़मीन में बैठ करके काटें, हम लोगों में बोलता है चुपके मुँह के बैठ कर काटना, उस तरीके से काटें, दोनों पैरों पर बैठ कर काटें, या फिर पीढ़ा ले लें, पीढ़े पर बैठ कर काटें, आटा ज़मीन पर बैठ कर सानें। इससे क्या होता है ना, हम लोग उठ बैठ करते हैं ना, तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मसाला जो हम लोग पीसते हैं तो हाथ हमारा ऐसे होता है, तो वो भी फ़ायदा करता है। कपड़ा धुलते हैं, रगड़ते हैं, तो वो भी फ़ायदा करता है। पहले के टाइम के जो हमारी मम्मी लोग, दादी लोग, नानी लोग बीमार नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो लोग ना बहुत सारा काम किया करती थी। हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को मशीन के द्वारा करते हैं, तो इसीलिए आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पोछा हो सके तो आप हाथ से लगाइए, मैं नहीं लगाती हूँ हाथ से, क्योंकि सोफ़े के अंदर तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, तो मैं मुँह से ही लगाती हूँ, मैं हाथ से नहीं लगाती हूँ। लेकिन अगर आपका पॉसिबल हो तो आप हाथ से ही लगाएं। अपने आप को हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करें, और इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी ना जब, तो आप ऑटोमेटिक आप नोटिस करना कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगी। और जब हम एक्टिव फील करते हैं ना, तो फिर हमारे लिए घर का काम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मैं अपना वेट लॉस की थी। बात रही, बहुत बार ये भी आता है कि आपने कितना एक्सरसाइज किया, तो डियर मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं किया करती थी उस वक्त। जो हाथ वाला होता है ना, मैं हाथ वाला करती थी थोड़ा बहुत, कभी कभी लफंदोरी कूद लेती थी, और माउथ एक्सरसाइज करती थी, ऐसे ऐसे होता है ना, ये वाला करती थी, जिसकी वजह से मेरा ये सब बहुत अच्छा हो गया। और ये सब जो सिंपल जो एक्सरसाइज था ना, वो मैं चाय चढ़ाकर किचन में भी कर लिया करती थी, फिर और कुछ काम हुआ तो करती थी। अपने आप को एनी टाइम एक्टिव रखती थी मैं, किचन में हूँ, चाय बन रही है, या फिर कुछ और कर रही, तो मैं खड़ी होकर सिर्फ उसी को नहीं करती थी। अगर काम है तो काम करती थी, अगर काम नहीं है तो बस मैं चलते फिरते रहती थी। आप लोग सिर्फ मेरी बताई हुई ना ये सारी बातों को सिर्फ आप लोग करें, मैं सच में बोल रही हूँ, आपका इतना जल्दी वेट कम होगा ना कि आप भी सोचेंगे कि कितना जल्दी हमारा वेट कम होगा। 32 बार एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा हेल्दी फार्मूला है कि जिससे आप लाइफ टाइम के लिए अपना वेट लॉस कर सकते हैं।
और जो घर का खाना होता है ना डियर, वो ऑटोमेटिक हेल्दी ही होता है, क्योंकि हम लोग रोज़ रोज़ मैदा नहीं बनाते हैं, हम लोग रोज़ रोज़ मीठा नहीं बनाते हैं, है ना। हम लोग सिंपल खाना ही बनाते हैं, कम तेल मसाले में खाना बनाते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को मैं की थी, और मैं नोटिस करती थी कि जो जो मैं कर रही हूँ ये सारी बातें पुराने टाइम की है। 7 बजे तक खाना खाना, मैं अपना गांव जब जाती थी बचपन में, तो मैं देखती थी कि मेरे गांव में सारे लोग 7-6:30 बजे तक खाना वाना खा कर सबका दरवाज़ा बंद, ज़्यादा हार्डली हुआ तो 8-8:30 बजे सारे लोग सो जाते थे और सुबह के 4 बजे ही उठ जाते थे। फिर मैंने नोटिस की कि हाँ। एक और आता है आप लोगों का कमेंट कि क्रेविंग होती है मीठे की बहुत ज़्यादा तो क्या करें। तो डियर, मीठे की क्रेविंग होती है तो आप गुड़ ले लिया करें, या फिर खजूर खाएं, जो डेट्स बोलते हैं जिसे, वो खाएं। तो उसे खा लेंगे ना डियर, तो आपको बिल्कुल भी मीठे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी। फ्रूट का यूज़ किया करें, सैलेड का यूज़ किया करें। सारी पुरानी जो बातें होती है ना, उन सभी को आप ध्यान दें, नोटिस करें कि बचपन में हमारी मम्मी दादी क्या बोलती थी। आप वो सब सिर्फ यूज़ करेंगी ना, तो आप देखेंगे अपना आपका वेट लॉस कितना जल्दी होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग चिया सीड्स खाएं, एप्पल साइडर विनेगर पिए ही तभी होगा, फिर विदेशी फल जो होता है कीवी होता है, फिर ड्रैगन फ्रूट्स होता है वो खाएंगे तभी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इंडियन फ्रूट्स भी जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत वेट लॉस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपना वेट लॉस ढेर सारा पैसा देकर, ढेर सारा पैसा खर्च कर कर ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वे में आपके घर में जो बनता है आप वो खाएं। हर एक निवाले को 32 बार चबा चबा कर खाएं। खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लें। सप्ते में एक दिन, अगर सप्ते में नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन में करें, साल्ट फ्री डे करें। जब भूख लगे तब खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। और इंटरमीडिएट फास्टिंग, मैं आपको बोलना चाहती हूँ स्पेशली अपने तरफ से, कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को ज़रूर से ज़रूर करें, वो सच में बहुत असर करता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। यही सारी चीज़ों को मैं कर अपना वेट लॉस कम की हूँ, काफ़ी ज़्यादा कम कर ली हूँ, आप भी कर सकते हैं। बस इन सारी बातों को यूज़ करें। बहुत सारा कमेंट आता है, हमेशा कमेंट आता है, दीदी आपको देखकर बहुत मोटिवेट होती हूँ, आपको देखकर मैंने इतना कम किया, आपको देखकर मैं इतना कम की। तो मैं कभी भी जल्दी, मतलब मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन कमेंट आते हैं, हमेशा आते हैं कि इतना कम हुआ। तो इसका मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बताती हूँ तो इससे किसी का वेट कम नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं अभी ही बोलूँगी तो शायद जितने भी देख रहे होंगे वो लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हमारा हुआ। हमारा डियर 32 बार से बहुत लोगों का वेट कम हुआ है, आपका भी होगा, ज़रूर होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने काम पर फोकस करें कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होता है, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो डियर, टाइम कभी भी निकलता नहीं है, टाइम हमें निकालना पड़ता है। अगर आपकी फैमिली आपसे प्यार करेगी, आपके तकलीफ़ से उन्हें तकलीफ़ होगी, तो आपको कभी भी नहीं रोकेंगी ये सब काम को करने के लिए। अब कैसे करना है वो आप ज़्यादा मेरे से बेटर जानती होंगी, क्योंकि आपकी फैमिली है, कैसे हैंडल करना है वो आप ज़्यादा बेटर जानती होंगी, किस तरीके से सब कुछ मैनेज करते हुए अपने आप को भी फिट करना है वो आप जानती होंगी, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकती। मैं अपना बता सकती हूँ, मैं अपने घर को कैसे मैनेज करूँ। मैं भी अपनी सासू माँ को बिना खिलाए हुए नहीं खाती थी, सारे लोग खा लेते थे तभी मैं खाती थी। जब मेरी सासू माँ आई रहने लगी तो मैं कुछ दिनों के लिए छोड़ भी दी थी, लेकिन फिर जब मैं उन्होंने बताई तो बोली कि नहीं नहीं तुम खा लो, तुम 7 बजे खाती हो तो तुम खा लो। मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ ही खाया करती थी 11 बजे रात को, लेकिन अब मैं उनसे जल्दी खा लेती हूँ। तो बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ इग्नोर करना पड़ता है। बहुत बुरा लगता था मुझे भी कि मैं सबसे पहले खा लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं जल्दी खाने के लिए। वो लोग खाते ही नहीं हैं, मेरे सास बिना 9:30 बजे के इधर नहीं खाती है, मेरे हस्बैंड जी 10:30-11 बजे के इधर नहीं खाते थे। मैं अगर उतना टाइम में खाती तो फिर मेरा वेट लॉस कैसे होता, नहीं होता ना, तो इसलिए मैं जल्दी खा लेती हूँ। तो आप अपनी फैमिली वाले को मनाएं, समझाएं, दिखाएं कि ऐसा करने से मेरा वेट लॉस हो सकता है, तो आपको प्यार करती होगी तो ज़रूर समझेगी। वैसे 32 बार से तो वेट लॉस होता ही है। अगर आप नहीं कर सकती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कोई बात नहीं, आप 32 बार को ही अच्छे से करें, लेकिन कोशिश करना ज़रूर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें।
तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया डियर, इसको इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मेरी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर की, कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही।